सो हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि आप जो है 2020 में अपना यूट्यूब चैनल कैसे बना सकते हैं। तो आपने करना यह है कि आपने पहले जो है जीमेल अकाउंट अपना बना लेना है। मैंने ऑलरेडी अपना जीमेल अकाउंट जो है बना लिया है और मैंने इसे यूट्यूब में लॉगिन भी कर लिया है। जब आप अपना अकाउंट यूट्यूब में लॉगिन कर लेंगे तो उस वक्त आपने करना यह है कि आप देख रहे हैं आपके सामने ये विंडो ओपन हुई, तो इसमें ये सामने जो है मेरे अकाउंट का साइन आ रहा है जो मैंने इमेज वगैरह यूज़ की हुई है अकाउंट में, तो इसके ऊपर मैं करूँगा क्लिक। क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैं चला जाऊँगा YouTube स्टूडियो में। तो जब मैं YouTube स्टूडियो पे क्लिक करूँगा तो मेरे सामने एक ये विंडो, फर्स्ट टाइम जब मैं चैनल अपना क्रिएट करूँगा तो उस वक्त मेरे सामने ये विंडो आएगी। तो यहाँ से अब मैंने चैनल को देना है नेम, तो मैं यहाँ से दे देता हूँ मल्टी वर्ल्ड। तो ये मैंने ऊपर आपने लिख देना अपने चैनल का फर्स्ट नेम और नीचे आपने लिख देना है सेकंड नेम। तो मैं ये लिख दूंगा मल्टी वर्ल्ड। तो ये मैंने लिख दिया, सॉरी मल्टी वर्ल्ड लिखना है, तो मैं ये लिखूँ, ये मैंने मल्टी वर्ल्ड लिख दिया। और यहाँ से मैं ये जो सामने साइन नज़र आ रहा है क्रिएट चैनल, इस पर मैंने कर दिया क्लिक, तो ये मेरा चैनल क्रिएट हो गया। तो इससे आगे भी एक दो स्टेप होंगे जो आपके काम आएंगे। तो यहाँ से आप लर्न मोर कर देंगे, ये नोटिफिकेशन वगैरह आती रहेंगी। तो उसके बाद अब हमने चले जाना है यहाँ से, ये जो हमारे साथ नीचे ऑप्शन नज़र आ रहा है सेटिंग का, तो हम इसमें चले जाएंगे। इसमें चले जाने के बाद हमने चले जाना है चैनल में। मैं आपको ये भी बता रहा हूँ कि आपका चैनल जो है YouTube के कीवर्ड्स में भी कैसे आएगा। तो आपने यहाँ से चैनल में जाने के बाद अपने चैनल का यहाँ से टैग देना है, तो यहाँ पे भी लिख देते हैं मल्टी वर्ल्ड। तो ये एक टैग मैंने दे दिया, फिर मैं इसे दे देता हूँ मल्टी स्पेस दे के मल्टी वर्ल्ड, फिर से टैग दे दिया। और यहाँ से फिर से जाके मैं एक नया जो है टाइप कर देता हूँ मल्टी वर्ल्ड। तो ये मैंने ये टैग ऐड कर दिया मैंने, और यहाँ से मैंने कर देना है सेव। तो दोस्तों आपके सामने मेरा मैंने एक नया चैनल क्रिएट किया। तो आप भी यही मेथड होगा, और आप कह रहे होंगे कि यार मोनेटाइजेशन का जो मेथड है भाई ने क्यों नहीं बताया। तो मोनेटाइजेशन 2020 में जो ला यूट्यूब का बनाया गया है उसके मुताबिक आप जो है फौरन जो है मोनेटाइजेशन पर अप्लाई नहीं कर सकते। जब आपके पास 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे वॉच टाइम आ जाएगा तो उस वक्त इस ये जो ऑप्शन आई एम इनेबल का ऑप्शन लिखा हो एलिजिबल, तो उस वक्त यहाँ पे अप्लाई नाउ का ऑप्शन आ जाएगा। और दूसरी जानिब आपको जो है YouTube की जानिब से मेल आ जाएगी कि आप जो है मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो उस वक्त आप अप्लाई कर सकते हैं, और जब अप्लाई करेंगे तो उसके साथ ही आपका एडसन अकाउंट बनेगा, उस वक्त जो है आप YouTube की अर्निंग आपकी स्टार्ट हो जाएगी। तो उम्मीद है मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो मेरे चैनल को जो नए यूज़र आए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें। थैंक यू।